सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो मेरी इस वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं यार अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम बात करेंगे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल की, जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया। तो इंडिया इस मैच का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। तो इंडिया की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट होता है। तो इसके साथ ही 71 रन पर केन विलियमसन रोहित शर्मा का बहुत ही शानदार कैच पकड़ते हैं। तो इस तरह इंडिया की पहली विकेट 71 रन पर गिर जाती है। तो इसके साथ ही इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन शुभमन गिल बहुत ही शानदार इनिंग्स खेलते हैं, 65 बॉल्स पर 79 रन स्कोर करते हैं और इंजर्ड होने की वजह से बिना आउट हुए वापस चले जाते हैं। तो विराट कोहली क्या ही बल्लेबाजी करते हैं और इस वर्ल्ड कप में अपनी तीसरी और दुनिया क्रिकेट में 50वीं सेंचुरी स्कोर करते हैं और 113 गेंदों पर 117 रन स्कोर करते हैं। और आज की इस सेंचुरी स्कोर करने के बाद सचिन तेंदुलकर का 49 सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़कर 50 सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले प्लेयर बन जाते हैं। तो इसके साथ ही विराट कोहली 117 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो आज के इस मैच में एक और रिकॉर्ड बनाते हैं विराट कोहली, एक वर्ल्ड कप के एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी बन जाते हैं। तो इस वर्ल्ड कप में अब तक विराट कोहली 711 रन बना चुके हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज़्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले प्लेयर भी बन जाते हैं। तो इस वर्ल्ड कप में 8 टाइम्स विराट कोहली 50 प्लस स्कोर कर चुके हैं। तो इसके साथ ही श्रेयस अय्यर भी बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हैं और बहुत ही शानदार इनिंग्स खेलकर आज इस वर्ल्ड कप में अपनी दूसरी सेंचुरी स्कोर करते हैं। तो इस तरह श्रेयस अय्यर 70 बॉल्स पर 105 रन स्कोर करते हैं। तो इस तरह इंडिया की टीम 397 रन का टोटल बना लेती है 4 विकेटों के नुकसान पर पूरे 50 ओवर्स में। तो न्यूजीलैंड को आज का मैच जीतने के लिए 398 रन की ज़रूरत होती है। तो इंडिया की टीम बैटिंग के साथ बॉलिंग भी बहुत ही कमाल की करती है और मोहम्मद शमी न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनर्स को आउट कर देते हैं, रचिन रविंद्रा और डेविन कॉनवे को। लेकिन उसके साथ ही मोहम्मद शमी ही जसप्रीत बुमराह की गेंद पर केन विलियमसन का कैच छोड़ देते हैं। तो इस तरह केन विलियमसन 73 बॉल्स पर 69 रन स्कोर करते हैं। इसके साथ ही डैरिल मिचेल बहुत ही कमाल की इनिंग्स खेलते हैं और इस वर्ल्ड कप में अपनी दूसरी सेंचुरी स्कोर करते हैं। तो इस तरह ये 119 बॉल्स पर 134 रन स्कोर करते हैं। तो इसके साथ ही केन विलियमसन का कैच छोड़ने वाले मोहम्मद शमी बाज बहुत ही कमाल कर देते हैं। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, बल्कि इस मैच में 7 विकेटें हासिल करते हैं और वर्ल्ड कप में 50 विकेटें मुकम्मल कर लेते हैं। और इसी के साथ मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से बॉलिंग में सबसे अच्छा फिगर बनाने वाले बॉलर भी बन जाते हैं। और इसके साथ ही मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में 4 दफ़ा 5 विकेटें लेने वाले पहले प्लेयर बन जाते हैं। तो इसके साथ ही मोहम्मद शमी आज के मैच में 7 विकेटें लेकर इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले प्लेयर भी बन जाते हैं। तो इस वर्ल्ड कप में अब तक मोहम्मद शमी 23 विकेटें हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम मज़ीद बात करें मोहम्मद शमी की, तो मोहम्मद शमी ने कमाल कर दिया है। एक पहले मैच में 5, दूसरे में 4, तीसरे में दोबारा 5, फिर 2 और आज के मैच में 7 विकेटें अब तक ये ले चुके हैं। तो इसके साथ ही कुलदीप यादव भी 1 विकेट हासिल करते हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह भी 1 खिलाड़ी को आउट करते हैं। तो इस तरह इंडिया की टीम ये मैच जीत जाती है और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेती है। तो इस तरह इंडिया की टीम आज का मैच 70 रन से जीत जाती है। तो अगर हम बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की, तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है मोहम्मद शमी को, जो कि आज के मैच में 7 विकेटें हासिल करते हैं। तो इसके साथ ही अब हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।